यहाँ पे मैंने लगा ली, लोग रेडी हो चुकी है और आप लोग देखिए कितनी प्यारी कामिया। अगर ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, दिस इज नारी फ्रॉम देहरादून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज घर से कैसे ब्लॉग स्टार्ट करूँ, तो इसका रीज़न है कि मम्मी और मैं जा रहे हैं एक शादी में। तो आज मम्मी और मैं जा रहे हैं अभी इस टाइम पे, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो पहले मैंने सोचा था मैं नॉर्मल कुछ कुर्ती और जीन्स डाल दूंगी, बट फिर उसके बाद मैंने सोचा कुछ अच्छा सा ही पहन लेती हूँ, शाम को आना है हमें 5-6 बजे वापस आ जाना है, देन उसके बाद फिर जाएंगे। और घर वाले जो गए हैं, जैसे पापा भाई लोग जा रखे हैं शादी में, मतलब बारात लेकर गए हुए हैं, तो हम लोग हैं लड़के की साइड से, तो वहाँ जितने भी शॉट वगैरह मैं लूँगी आप लोगों को दिखा दूँगी। ओके गाइज, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं कौन सा सूट पहनने वाली हूँ। ठीक, वैसे ना मैं रिपीट ही कर रही हूँ, तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं कुछ नया पहनने वाली हूँ, ये अभी भी एकदम नया जैसा ही है। तो फटाफट से मैं इसको चेंज कर लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये रहा इसकी चुन्नी, ठीक है, ये रही इसकी चुन्नी। और तो चलिए फिर फटाफट से रेडी हो जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि मैं कैसे मेकअप करती हूँ। ओके, गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी। और इस बार मैं चुन्नी इस स्टाइल में नहीं रखने वाली हूँ, मैं रखने वाली हूँ इस स्टाइल में। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये स्टाइल कैसा लग रहा है। फिलहाल अभी मैं फुल रेडी हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हील्स पहनूँ या कुछ फ्लैट पहनूँ, जिससे मतलब मेरे पैरों में दर्द ना हो। तो देखते हैं, अभी थोड़ी देर के बाद बताती हूँ आपको, ठीक है। और अभी मुझे फुल मेकअप भी करना है, तो ऐसी ब्लॉग में बने रहिए, तब तक के लिए बाय। तो गाइस चलिए फिर, यहाँ पर रख दिया है मैंने मिरर, देन उसके बाद मैं लगा रही हूँ निविया सॉफ्ट, जिसको मैंने स्टार्टिंग में भी लगाया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं अभी थोड़ी सी क्रीम ले लेती हूँ, थोड़ा सा ना अपने फेस को मॉइस्चर रखने के लिए मैं इसे लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है निविया सॉफ्ट। आप लोग सोचते होंगे कि मतलब मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ। तो थोड़ा सा वेट करिए, नेक्स्ट मैं लगाती हूँ सन एक्सपर्ट 925 SPF 50 PA++++। ओके, तो आप लोग देख लीजिए। तो मैं ये सब ना मैंने वीडियोस में देखा है, तो मैं भी इसी तरीके से लगाऊंगी। तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये क्रीम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, ये हमें सन से प्रोटेक्शन देती है, तो इसलिए मैं इसे लगाना पसंद करती हूँ। बाकी इसे नेक पे लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये नेक पोर्शन तो दिखेगा ही। उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ लोटस वाइट क्रीम। मुझे लोटस की क्रीम काफी ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, ये मेरे स्किन को काफी ग्लोइंग बना देती है। के बाद मैं डायरेक्ट लगाती हूँ लिपस्टिक, पहले मैं थोड़ा सा लिप लाइनर लगा देती हूँ। ये किस चीज़ का, ये है हुडा ब्यूटी, ठीक है। मेरे पास है लिप टिन, ठीक है, जिसे मैं चीक्स में भी लगाती हूँ। और मेन था सनस्क्रीन लगाना, वो मैंने लगा दिया है। तो गाइस देखिए, देन उसके बाद मैं लगा रही हूँ ये हुडा ब्यूटी की न्यूड शेड, जो ख़त्म होने वाली है। ये थी 150 रुपीज़ की, ठीक है। तो मैं आप लोगों को प्राइस बता देती हूँ, ये 150 का लिया था मैंने, ये लिया था 325 का, यकीन नहीं होता है तो पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो मैंने स्मिटन से मंगाया था और ये हम कैंटीन से लाते रहते हैं, ठीक है। यार मैंने लगा रखी थी कल, बट वो ना उखड़ गई हल्की हल्की सी, तो आप लोग फिर भी थोड़ा बहुत कमेंट कर देना कि आप लोगों को मेरी नेल पेंट कैसी लग रही है, ठीक है। थोड़ी सी ना मैं लिपस्टिक ठीक लगा लेती हूँ,
उसके बाद ये है, मैं ना बहुत बार लगा चुकी हूँ बट मैं ना भूल जाती हूँ। ठीक है, लैक्मे आइकॉनिक, ये थोड़ा सा लगा लेती हूँ। मैं जितनी भी शादियों में जाती हूँ ना, मेरा हमेशा का यही रहता है। थोड़ा सा पिंक लगा लेती हूँ। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। ओके, तो अभी मैं फिलहाल आप लोगों को पूरा लुक दिखाती हूँ अपना। अभी मैंने इयररिंग नहीं पहने, तो मैं डिसाइड करूँगी कि मैं कौन से इयररिंग पहनूंगी। ओके, तो इसी व्लॉग में बने रहिए। तो गाइस मैंने अपनी ये छोटी छोटी इयररिंग्स उतार दिए हैं और मैं पहनने वाली हूँ ये। ठीक है, जो कि मैंने लिए थे मात्र 80 रुपीज़ में। तो चलिए फिर इन्हें ट्राई करते हैं। मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं ज़्यादातर इसी का ही कलेक्शन रखती हूँ। तो जब मेरा बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगा ना, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और ये चेन ली है मैंने मेले से, ये भी पसंद आई तो मैंने इसे ले ली मात्र 100 रुपये में। ओके, तो इसे पहनते हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो रही है तो इसीलिए अब हम निकलते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ। मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है बट अभी भी मुझे समझ में नहीं आया मुझे नीचे से क्या पहनना है, हील्स या फ्लैट। डिसाइड करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी मम्मी रेडी हो चुकी है और आप लोग देखिए कितनी प्यारी लग रही है, एकदम विलायती माँ लग रही है मेरी पूरी। और मेरे हेलमेट का तो शीशा यार टूट चुका है, अब ये ऐसा अजीब सा लगेगा। मम्मी पहन के दिखाना ज़रा, बहुत अटपटा सा लग रहा है। ओह माय गॉड, मम्मी के बाल खराब हो जाएंगे। मेरे हो जाए कोई बात नहीं। तो चलिए फिर ऐसी हेलमेट पहनना पड़ेगा बिना। तो अभी मिलते हैं हम सीधा उन्हीं के घर पे, ठीक है, जहाँ हम जा रहे हैं। तो मम्मी और मैं जो लेट पहुँचे हैं, ठीक है, कोई नहीं है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। बाकी तो क्या क्या है, शायद चावल है और दाल, दाल है इधर का, कोई बात नहीं, मैं ले इधर ना करे चावल डाल दूंगी। अरे मैं ले लूंगी, तुम मेरी दाल। ये रही प्यारी सी बच्ची जो मुझे देख के भाग चुकी हो। हाय करो बच्चे, आपका नाम क्या है? क्या कामिया, कौन सी क्लास में हो? 1 में? वाह। Thank you.
मैं आ चुकी हूँ घर और काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी थी, ठीक है। तो अभी हो चुके हैं 6:30 और मैंने सोचा चलो घर चल लेते, क्योंकि मैं वहाँ बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। तो यार क्या करना था, वहाँ पे ना बंदर वगैरह घूम रहे थे और वो ना अटैक करने को आ रहे थे, और बाकी ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा था क्योंकि बारात जा रखी थी नैनीताल की साइड, ठीक है। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा आने में, जैसे 11-12 बज सकते हैं शायद वो, ठीक है। तो मम्मी को मैंने वहीं छोड़ दिया और मैं आ चुकी हूँ घर। तो गाइज आप लोगों को अगर ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। तो आज के लिए बस इतना ही।